हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वर्कआउट। आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट अलोंग विद स्किपिंग रोप। लेट्स बिगिन। तो आज हम करने वाले हैं 20 एक्सरसाइज जो है 30 सेकंड्स के ईच, और हम एक भी ब्रेक बीच में नहीं लेने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्किपिंग रोप के साथ। अगर आपके पास स्किपिंग रोप ना हो तो आप ऑन द प्लेस जंप कर सकते हो। तो 30 सेकंड्स के यहाँ पर सारे एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल ब्रेक नहीं है। आप चाहे तो शूज़ पहनकर भी वर्कआउट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जो नी पर है ज़्यादा प्रेशर या कोई जर्क नहीं दे रहे हो, और जितनी स्पीड से आप कर सकते हो आप अपने हिसाब से आप उस स्किपिंग या जंपिंग रोप करने हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्क्वाट एंड पंच। कीप गोइंग गाइस। ओके, हमें करना है स्क्वाट और दोनों हाथों से एक एक पंच। कम ऑन, कीप मूविंग। ये एक्सरसाइज हमारे हाथों के लिए, पैरों के लिए और कोर के लिए बहुत अच्छी है। तो आज हमने फोकस किया है फुल बॉडी वर्कआउट, तो सारे एक्सरसाइज में हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हम फोकस करेंगे। ब्रीदिंग अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। और नेक्स्ट हम वापस करने वाले हैं स्किपिंग रोप। कम ऑन, गेट रेडी एंड लेट्स बिगिन। आज की जो एक्सरसाइज है, तो एक सेट हम करने वाले हैं स्किपिंग रोप, दूसरी एक्सरसाइज होगी नॉर्मल एक्सरसाइज, वापस स्किपिंग रोप, वापस नॉर्मल एक्सरसाइज। वैसे हमारे इन ऑल 20 एक्सरसाइजेस है 30 सेकंड के। कम ऑन, कीप गोइंग गाइस, बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इंच वर्म एंड स्क्वाट। तो हमें वॉकिंग प्लैंक में आगे जाते हुए चलना है, पीछे आकर खड़े रहकर एक स्क्वाट करना है, वापस खड़े रहकर हमें वॉकिंग प्लैंक में जाना है, वापस आकर स्क्वाट एंड अगेन स्टैंड एंड कीप गोइंग। यूजुअली हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम वर्कआउट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर है एक 10 मिनट्स का वर्कआउट जहाँ पे आप बिल्कुल एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट हम दोबारा करने वाले स्किपिंग रोप, सो लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स बिगिन। और जितना फास्ट आप कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग ब्रेक उतना आप कर सकते हो। अगर आपको बीच में 5-10 सेकंड का ब्रेक लेना है तो आप वो भी बीच में ले सकते हो। पूरी तरीके से अपनी बॉडी की आप सुनिएगा, ज़्यादा एक्सर्ट आपको नहीं करना है, पर उसके साथ साथ एक्सक्यूजेस भी नहीं देने हैं। अगर एनर्जी है तो आपको वर्कआउट करते रहना है विदाउट एनी ब्रेक, पर अगर आप चाहें तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्क्वाट और क्रंच। तो हमें स्क्वाट करना है, ऑपोजिट नी और एल्बो को साथ में लेकर आना है। ये एक्सरसाइज हमारे पेट के लिए, हमारे पैरों के लिए और हाथों के लिए बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है। स्क्वाट करते हुए हमारे हिप जो है वो हमें हील्स पर ले जाने हैं। ब्रीदिंग मेंटेन करनी है, ब्रीद इन, नीचे आके होल्ड योर ब्रेथ, ऊपर आते हुए ब्रीद आउट। नेक्स्ट हम दोबारा करने वाले स्किपिंग रोप गाइस। वेरी नाइस, कम ऑन, लेट्स टेक आवर स्किपिंग रोप्स, लेट्स बिगिन। स्किपिंग रोप करते हुए हमें बेली को लूज नहीं छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है हमारे कोर को, और स्लोली जंप्स मारने हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं अपर क्रंचेस। तो हमें फ्लोर पर लेटना है, शोल्डर्स को पीछे रखना है। आप यहाँ पर या तो मैट यूज़ कर सकते हो, अगर मैट यूज़ करोगे तो बेटर है। ओके, अभी हमें करने हैं क्रंचेस। जैसे कि आप सभी को बताइए, पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शायद आपको एक क्रंच फील हो रहा हो पेट पर हमें रुकना नहीं है। कीप गोइंग गाइस। ओके, कम ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वापस हम करने वाले हैं स्किपिंग रोप, कीप गोइंग। ओके, लेट्स टेक आवर रोप्स। नेक्स्ट हम करने वाले हैं टो टचेस। इसमें हमें फ्लोर पर लेटना है, टोज को जो हमारे लेग है उसे 90 डिग्री में रेज करना है, और अपर बॉडी हाथों को ट्राई करना है कि हम टोज को टच करते हुए, पैरों को टच करते हुए हल्के से ऊपर जाना है, चेस्ट और अपर बैक को उठाकर।
नेक को बिल्कुल कोई जर्क नहीं देना है, नेक बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगी, बैक पे भी कोई जर्क नहीं देना है। कम ऑन गाइस, आई एम श्योर अभी पेट पर बहुत अच्छा आपको क्रंच आ रहा हो, बट कीप गोइंग। ओके कम ऑन, नेक्स्ट वी हैव स्किपिंग रोप्स अगेन। चलो लेट्स गेट अप एंड टेक आवर स्किपिंग रोप्स। ग्रेट जॉब गाइस, कम ऑन कीप मूविंग। आप जितनी स्पीड में जा सकते हो आप स्किप रोप कर सकते हो। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लेग रेजेस, तो हमें फ्लोर पर सो जाना है। लेट्स स्लीप। दोनों पैरों को 90 डिग्री में ऊपर ले आना है और वापस स्ट्रेट नीचे लेके जाना है। ट्राई करेंगे हम नी को जितना स्ट्रेट रख सके हमें सीधा रखना है। ये एक्सरसाइज हमारे कोर के लिए और पैरों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली हमारे कोर के लिए। अब तक तो आपको बहुत ही अच्छा सा क्रंच फील हो रहा होगा कोर पर। तो हमने पहले टारगेट किया था मेजरली लेग्स को, फिर इसमें हमने किया है कोर को टारगेट। चलो उठ जाते हैं, वी हैव स्किपिंग रोप्स अगेन, गेट अप क्विकली। और जो हमारा लास्ट एक सेट है 6 एक्सरसाइज का, उसमें हम मेजरली करने वाले हैं हैंड्स पर फोकस। वैसे तो फुल बॉडी पर फोकस होगा पर हैंड्स मेजर फोकस में रहेंगे। कम ऑन गाइज, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट गिव अप एंड कीप गोइंग। ओके नेक्स्ट हम करने वाले हैं पुशअप। या तो आप वॉल पुशअप कर सकते हो, या तो नी पुशअप कर सकते हो, या तो फुल रेंज पुशअप कर सकते हो। आपको आराम आराम से करना है, बिल्कुल जर्क नहीं देना है। अगर आप नी पुशअप भी कर रहे हो ट्राई कीजिएगा, पूरा फ्लोर पे जा रहे हो फिर आप पूरा अपने आप को ऊपर पुश कर रहे हो। ग्रेट जॉब गाइज, कम ऑन बी स्ट्रांग, और बिल्कुल हमें रुकना नहीं है। नेक्स्ट वापस हम करने वाले हैं स्किपिंग रोप्स। कम ऑन बी स्ट्रांग। ओके चलो उठ जाते हैं और स्किपिंग रोप्स लेते हैं एंड लेट्स बिगिन क्विक क्विक क्विक। लवली। ओके अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हैं गाइस, उसके बाद अब वर्कआउट इज डन, तो हमें बिल्कुल रुकना नहीं है, सिर्फ 3 मिनट और बचे हैं। कीप गोइंग गाइस। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अप एंड डाउन प्लैंक, जो हमारे हैंड्स के लिए, आर्म्स के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर अप एंड डाउन प्लैंक अगर डिफ़िकल्ट होता हो तो आप फुल प्लैंक में रह सकते हो। अगर फुल प्लैंक इजी है तो सिर्फ आप एल्बो प्लैंक पर रह सकते हो। अगर एल्बो प्लैंक भी इजी है तो आप इसे करना प्लीज़ अवॉइड मत कीजिएगा। ये एक्सरसाइज हमारे हाथों के लिए, कोर के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। कम ऑन गाइज, बी स्ट्रॉन्ग, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। ओके अभी हम वापस करने वाले हैं स्किपिंग रोप्स। कम ऑन लेट्स गेट अप एंड टेक आवर स्किपिंग रोप्स। सिर्फ 2 मिनट एंड उसके बाद वी आर डन विद द वर्कआउट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं रिवर्स टो टचेस। इसमें हमें पीछे बैठ जाना है, हमारे हाथों को और पैर को फ्लोर पर रखना है और हिप को हमें रेज करना है। ये एक्सरसाइज बहुत आराम से करना है, हमें अपने आप को बैलेंस आउट करना है। अगर ये एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट हो रही हो तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ अपने हाथों और पैरों को फ्लोर पर रखकर हिप को उठाकर 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। आप हाथ और पैर को अगर टच नहीं करेंगे तो इट्स ओके, बट अगर इजी हो तो आप जरूर कीजिएगा। ऑल राइट कम ऑन एंड लास्ट 1 मिनट का, वी हैव स्किप रोप्स एंड वी आर डन। कम ऑन दोस्तों, जितने स्पीड से आप जा सकते हो, सिर्फ 45 मिनट्स लास्ट बचे हैं और उसके बाद वी आर डन विद अवर वर्कआउट। वर्कआउट के बाद आप स्ट्रेचेस करने बिल्कुल मत भूलना। आपको आपकी नेक, हैंड्स, लेग्स, सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है और फिर आप रिलैक्स कर सकते हो। कम ऑन कीप गोइंग गाइस।
ये ग्रेट जॉब गाइस, और हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। अगर आपको ये इजी लगा हो तो आप एक या दो सेट कर सकते हो, और मैं आप सभी को मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, सी यू।